स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। हाजिर हूं मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर हमारा स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट। और हाजिर हूं एक बार फिर से इस प्रोग्राम के स्पेशल एपिसोड के साथ। आज हम आपके बीच फिर से बात करने वाले हैं बॉलीवुड के अपडेटेड खबरों के बारे में। जैसा कि आप भी जानते हैं, हमेशा इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं बॉलीवुड सितारों की, उनकी रियल लाइफ की, उनके रियल लाइफ की यानी कि ग्लैमर इंडस्ट्री की फिल्मी हस्तियों की। फिल्मी सफर के दौरान काफी ज्यादा लाइमलाइट से घिरे रहने वाले फेमस सेलिब्रिटी से लेकर पर्दे के पीछे अनजाने चेहरे के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में, रिलेशन के बारे में, ब्रेकअप लिंकअप के साथ साथ कॉन्ट्रोवर्शियल अफेयर के साथ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और हिडन सीक्रेट्स के बारे में बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स आज फिर से लेकर आए हैं हम। तो चलिए बढ़ते हैं खास रिपोर्ट्स की तरफ। बात जब भी होती है ब्यूटी डिवा ऐश्वर्या राय बच्चन की, तो ये लोग जानना चाहते हैं अब कौन से रोल के साथ फिल्मी पर्दे पर लौटेंगी उनकी फेवरेट एक्ट्रेस ऐश्वर्या। और आप भी कर रहे थे इंतजार ये जानने का कि कब लौटेंगी फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर आपकी फेवरेट ऐश्वर्या। तो आपको बता दे, आ गई है खबर की 2.0 फिल्मी केमियो रोल करती नजर आएंगी ऐश्वर्या राय बच्चन। जबरदस्त एंट्री के साथ हो गई है ये कंफर्मेशन के साथ खबर पक्की कि सच में है ये फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। वाओ, ऐश्वर्या राय बच्चन की जबरदस्त एंट्री एक बार फिर से सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 के लिए ऐश्वर्या कर रही हैं तैयारियां। सोचिए जरा इस फिल्म में फिर से चिट्टी रोबोट का वो जो लुक देखने को मिलेगा, जिसके साथ ऐश्वर्या राय बच्चन भी धमाका करेंगी। कितना जबरदस्त होने वाला है इस बार बॉलीवुड में फिल्मों का टक्कर, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन अक्षय कुमार रजनीकांत के बीच नजर आएंगे फिर से रोबोट की कहानी के बीच जबरदस्त खूबसूरती का तड़का लगाने के लिए। बॉलीवुड की ब्यूटी डिवा ऐश्वर्या राय बच्चन हमेशा से अपने हस्बैंड अभिषेक की तारीफ करती हैं। वह उन्हें उम्मीद थी कि फिल्म मनमर्जिया के जरिए 2 साल बाद जो अभिषेक बॉलीवुड में लौट रहे हैं वो फिर से उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे यानी कि बॉलीवुड में धमाल करेंगे। हालांकि इस बार कुछ ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, धूम 3 में नजर आए अभिषेक बच्चन इस बार इस फिल्म के जरिए काफी तारीफ नहीं बटोर पाए। दरअसल ये कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन के किरदार को इस फिल्म में पसंद नहीं किया गया। ये बात अलग है कि बजट के मुताबिक इस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई कर ली। ये बात अलग है कि अभिषेक बच्चन के अलावा इस फिल्म में तापसी पन्नू और विकी कौशल के किरदार को काफी सराहा गया, लेकिन अभिषेक बच्चन को फैंस ने पसंद नहीं किया। ट्रॉल भी अभिषेक बच्चन ये कह दिया गया कि फ्लॉप कर सकते हैं फिल्म किसी को भी अभिषेक बच्चन, किसी फिल्म के लिए अभिषेक बच्चन काफी है, फ्लॉप करने में माहिर है। बता दें आपको, ऐश्वर्या राय बच्चन को अभिषेक पर गुस्सा आया है या नहीं, इस पर सवाल उठा है। दरअसल जरा सी भी तारीफ ऐश्वर्या अब तक नहीं कर पाई है अभिषेक बच्चन के इस फिल्म को लेकर। इसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि ऐश्वर्या शायद थोड़ी सी खुश नहीं है अभिषेक बच्चन के इस फिल्म से। पर आप भी जानते हैं, बॉलीवुड सितारों की जब भी बातें होती है तमाम ऐसी खबरें आती है जिसे सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। हाल ही में नेहा धूपिया के बेबी शॉवर पर पहुंची बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा, जिनका लुक देख सभी हो गए हैरान। जी हाँ, प्रीति जिंटा काफी ग्लैमरस नजर आई, काफी खूबसूरत नजर आई। वहां पर अपने दोस्त सलमान खान के छोटे भाई सुहेल खान को गले से लगाकर, किस तरह उनके गले से लिपट कर प्रीति ने उन पर प्यार लुटाया, उनके साथ मस्ती करती नजर आई, भीड़ में उन पर बात करते हुए चीखती नजर आई प्रीति, किस तरह से सबके सामने उमड़ा है दोनों दोस्तों के बीच प्यार, देखिए इस खास वीडियो में। बात जब भी होती है बॉलीवुड स्टार्स की, तो उनकी फिल्मी सफर की अक्सर बात होती है। ये यादगार लम्हा हमने आपके बीच तस्वीरों के जरिए शेयर किया है जो है काफी पुराना, यानी कि साल 2007 की बात है ये, जब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन शादी के बंधन में बंधे थे। वह दोनों ही आईफा अवार्ड समारोह के दौरान जब नजर आए तो दोनों को देखिए किस तरह से एक्सप्रेशन देते देखा गया। दरअसल ठुमके लगाते अभिषेक बच्चन स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रहे थे
थे, वहाँ अभिषेक बच्चन के साथ उनके पिता अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे। लेकिन अभिषेक को नाचते देख जबरदस्त एक्सप्रेशन दे बैठी वहाँ ऐश्वर्या। खुलेआम उन पर प्यार लुटाने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए किस तरह ऐश्वर्या ने उनका सपोर्ट किया है, वाकई में काबिले तारीफ है। इस जोड़ी की मोहब्बत जो की बॉलीवुड के लिए मिसाल जोड़ी आज बन चुके हैं, सालों से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ये दो लवी डबी कपल को हमेशा से एक दूसरे का साथ देते तो देखा ही गया है। पत्नी श्रीदेवी के जाने के बाद बोनी कपूर की जिंदगी कितनी बदल चुकी है। फिल्म डायरेक्टर बोनी कपूर जो कि अपने फिल्मी सफर को भी थोड़ी देर के लिए विराम लगाने के लिए तैयार हो गए थे। श्रीदेवी जिसे वो अपनी जान मानते थे, श्रीदेवी जिनके जानू है बोनी कपूर, उन्होंने अपनी जिंदगी को खोने के बाद खुद को कितना बदला है, इस बात का गवाह है ये तस्वीरें जिसमें बोनी कपूर के चेहरे से वो रंग उतरा आज भी नजर आ रहा है जो कि श्रीदेवी के जाने के बाद कभी भी नहीं चला। श्रीदेवी के जाने के बाद बोनी के चेहरे पर वो उमंग, जिंदगी जीने की वो खुशियाँ, वो उम्मीदें पूरी तरह से खत्म होती दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो श्रीदेवी के बिना अब वो अपनी नई खुशियाँ, नई उमंग, जिंदगी को नए तरीके से जीने का वो बहाना नहीं चाहते जो श्रीदेवी की होते हुए अक्सर ही वो ढूंढा करते थे। उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, डेट पे जाना, इवन फंक्शन में ग्लैमरस लुक्स के साथ नजर आना, कपल्स को शेयर करना, बोनी कपूर की जिंदगी से वो सुख पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन उनकी बेटियां जो हैं प्यारी प्यारी खुशी कपूर और जानवी कपूर, उन्हें देखकर बोनी कपूर किस तरह अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं जिन्होंने दिया है बोनी को बुढ़ापे में सहारा। अपने जेठ जी और अपनी जेठानी जी के बारे में अक्सर ही प्रियंका चोपड़ा बातें करने से छुपती रहती हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको इस रिपोर्ट में बता दें जो तस्वीरें देख रहे हैं आप वो हैं प्रियंका चोपड़ा के होने वाले जेठ जी जॉर्डन और उनकी प्यारी सी प्रेमिका यानी कि सोफी। दोनों ही काफी खूबसूरत है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकी जोड़ी जितनी ज्यादा खूबसूरत उतनी ही ज्यादा सुंदर है ये जेठानी प्रियंका चोपड़ा की, जो वाकई में बेहद ही ज्यादा ग्लैमरस भी है। देखिए जरा तस्वीरें जॉर्डन और उनकी वाइफ सोफी की, जो काफी ज्यादा ग्लैमरस कपल के तौर पर नजर आए। साथ में मस्ती करते हुए प्रियंका चोपड़ा से दूर हटकर अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करते हुए भारतीय सिंह वैसे तो बॉलीवुड से लेकर टीवी टाउन की काफी ज्यादा फेवरेट सेलेब बन चुकी है। ऐसे में आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड फैंस के बीच की एक खबर देने वाले हैं जो कि भारतीय सिंह से जुड़ी है। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिस पर उन्होंने खुलासा किया अपनी बीमारी के बारे में जो डेंगू से जूझती नजर आई। बता दें आपको अस्पताल में भर्ती भारती सिंह अपनी तबीयत नासाद होने की वजह से लगातार ही मीडिया से दूर, लाइमलाइट से दूर रही, जिसकी वजह से वो खुद सोशल मीडिया के सामने आकर अपने फैंस के बीच इस बात को स्वीकार कर बैठी कि उन्होंने क्यों काफी दिनों से लाइमलाइट से दूरी बनाई थी। बता दें आपको उनकी आवाज भी काफी बिगड़ी नजर आई वीडियो जब उन्होंने बनाई, और वीडियो में जो भी बातें वो कह रही थी आवाज काफी बिगड़ी नजर आई थी भारती सिंह की, जो कि अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद फैंस के बीच नजर आई बीमारी से जूझते हुए बातें करती हुई, जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब भी नजर आई थी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, यू लव विशेज एंड प्रेयर्स आर हेल्पिंग मी रिकवर, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग, लव यू लॉट्स गाइस, बाउंसिंग बैक इन एक्शन सून एंड डेफिनेटली विल बी जॉइन a live session with you guys. ये था एक बार फिर से हमारा प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट, जिसके लेटेस्ट अभी एपिसोड में लेटेस्ट खबरों से हमने आपको अपडेट कराया, बॉलीवुड टाउन से आपको अपडेट कराया, बताया हमने आपको बॉलीवुड की फेमस सेलेब से लेकर किड स्टार से लेकर फ्यूचर जनरेशन के स्टार से लेकर सुपर स्टार्स और साथ में खूबसूरत हसीनाओं के बारे में दिलचस्प बातें। तो वक्त आ गया है आज अब बॉलीवुड अपडेट का यहीं पर दिन करने का। आज के लिए इतना ही, अगली बार लौटेंगे इसी प्रोग्राम के अगले एपिसोड को लेकर इसी तरह से अपडेटेड खबरें के साथ आपको अपडेट कराने के लिए। तो आप भी बॉलीवुड की हर खबर के साथ बने रहने के लिए और एक भी अपडेट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।